I welcome you to the session of Laws of Motion. It's a quick revision session. We will be discussing this chapter under these five tabs: forces, the laws, how to solve problems, constraint relations, and examples. So let's move ahead. So forces है. हमने field force के बारे में पढ़ा था. Field force में हमने gravitation देखा है, electrostatic देखा हुआ है. अगर आप 12th standard में हैं तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप जानते हैं. ये चारों हमारे फील्ड फोर्स हैं. ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो अगर ये ब्लॉक है एक, इसका मास m है, तो सेंटर की तरफ इसका फोर्स mg लगेगा. ये पढ़ा है आप लोगों ने. ठीक है, फिर आती है बात कॉन्टैक्ट फोर्स की. कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप के फोर्स होते हैं. एक रिएक्शन फोर्स होता है. रिएक्शन फोर्स के ये दो कंपोनेंट्स होते हैं. रिएक्शन फोर्स कब आता है? जब एक ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे रखा है और यहाँ पर इस ब्लॉक, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये ब्लॉक का अनइवन सरफेस ग्राउंड के अनइवन सरफेस के साथ इंटरलॉक करने लगता है और यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्डिंग होने लगती है. तो इसके कारण एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है. ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन फोर्स. और इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होगा फ्रिक्शन. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द फ्रिक्शन. तो ये एन और ये एफ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के ये दो कंपोनेंट हुए. इसी में अगर आप को और ध्यान करना हो तो ये लैम्डा होता है. दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज, अगर हमको एफ और एन की वैल्यू मालूम है तो वी कैन राइट टैन थीटा एज एफ बाई एन. राइट, नाउ कम्स टेंशन. टेंशन इज अ फोर्स, दो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग में स्ट्रेच के कारण टेंशन आता है. पर मैं यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ. क्यों? उसका रीज़न है कि यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में ये तभी आता है जब रोप होती है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज अलॉन्ग द रोप. एंड अगर मुझे ब्लॉक पे देखना है तो इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी. सो इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी. ये वेट एम जी हो गया और टेंशन हमेशा रोप के अलॉन्ग ही होगा, अलॉन्ग द स्ट्रिंग या अलॉन्ग द रोप लगता है. ठीक है, फिर आती है बात लॉज ऑफ मोशन की. लॉज ऑफ मोशन में द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले तो इनर्शिया समझते हैं. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेज, सो इनर्शिया अपोजेज द चेंज इन मोमेंटम. राइट, सो इनर्शिया अपोजेज द चेंज इन मोमेंटम. तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. सो दिस वॉज द लॉ ऑफ इनर्शिया. फिर बात आती है सेकेंड लॉ की. तो मोर और लेस सेकेंड लॉ इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ. तो फोर्स एफ वेक्टर इज प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इन टू वेलोसिटी. सो इट्स रेट ऑफ चेंज इज डी पी बाई डी टी इज मास इन टू डी वी बाई डी टी प्लस वेलोसिटी इन टू डी एम बाई डी टी. राइट, प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को हम वन लिखते हैं तो फोर्स एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास
डी पी बाई डी टी विच इज एम इन टू ए प्लस वी वेक्टर इन टू डी एम बाई डी टी. तो एक स्टेटमेंट मैं हमेशा पूछता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए इज ऑलवेज ट्रू. तो ये फॉल्स है क्योंकि ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है. ये दिस इज ट्रू ओनली वेन एम इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज देन ओनली डी एम बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो, राइट. सो दिस इज वॉट वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज द सेकेंड लॉ. अब बात आती है थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये आप में से सभी को पता होता है, पर ये बहुत 50% लोगों को नहीं पता होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर, या पता होता है तो याद नहीं होता है, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ये एक्शन और रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग बॉडीज पर ही लगेगा, एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगता है. इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि ये मैंने एक ब्लॉक ड्रॉ किया है. अगर इस ब्लॉक पे मुझे, मैंने पूछा आपसे कि एम जी का रिएक्शन कहाँ होगा, एम जी लग रहा है फोर्स इस पर, और जो कि अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा. तो कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग बोलते हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन इज़ द रिएक्शन फोर्स ऑफ एम जी, विच इज़ रॉन्ग. इसका रिएक्शन आप अर्थ को ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर एक ब्लॉक बनाओ, ये ब्लॉक को सेंटर की तरफ अर्थ पुल कर रही है, तो ये भी ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा, यही इसका रिएक्शन फोर्स है. ठीक है, इस पेयर का. तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. क्लियर. नाउ कम्स हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉज ऑफ मोशन. तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सिस्टम. द सिस्टम शुड बी सो चोजन सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज. ठीक है, there should not be relative motion between its constituent body. ठीक है, I repeat. Now, how to solve problems में सबसे पहला point है identify the system. तो identify the system में the system should be so chosen such that there should not be relative motion between its constituent bodies. इसका बड़ा simple सा example मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. Suppose करिए हमारे पास ये दो blocks हैं, और ये block A है, ये block B है. ब्लॉक ए की वेलोसिटी अगर 2 मीटर्स पर सेकंड है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड है, तो वी कैन नॉट टेक दीज टू ब्लॉक्स टुगेदर इन अ सिस्टम. वी कैन टेक दीज टू ब्लॉक्स टुगेदर इन अ सिस्टम ओनली व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बी इज ईदर 2 मीटर्स पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ ए इज 3 मीटर्स पर सेकंड. मतलब देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज. अगर अलग अलग वेलोसिटीज होंगी तो हमको इनको अलग अलग सिस्टम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, राइट. नाउ कम्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. हमने 3 फोर्सेस पढ़े हैं अभी यहाँ पर, पूरे 2 साल में तो हम लोगों ने बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हैं. तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है, फिर रिजॉल्व द फोर्सेस. तो सपोज करिए कि फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, तो फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिजॉल्व द फोर्सेस पहला है along the probable direction of motion and perpendicular to it, या दूसरा है along the direction of motion and perpendicular to it. probable direction का ये मतलब हुआ, यहाँ पर ये जो probable direction लिखा है मैंने, इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक block, मान लीजिए एक inclined plane पे रखी हुई है, अगर एक block एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो, और ये मूव नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो इसका प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? दिस ब्लॉक विल मूव, विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड, राइट. तो वी विल रिजॉल्व द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन और पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू. ये मतलब हुआ रिजॉल्व द फोर्सेस. फिर हमको फोर्स इक्वेशंस लिखने हैं. फोर्स इक्वेशंस लिखने का मतलब ये हुआ कि हमको जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख के उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करना है. एग्जांपल के लिए अगर मैं ये ब्लॉक बनाता हूं, और इस ब्लॉक पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स एफ हुआ, ये वेट एम जी हुआ, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं,
और ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ, अगर ये एंगल थीटा है और देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन देम, हम ये मान रहे हैं, तो फोर्स का, फोर्स को जब हमने रिजॉल्व किया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा, राइट? तो नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये फोर्स इक्वेशन हुआ इसका. नेट फोर्स अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी, नेट फोर्स अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, देन वी हैव टू सॉल्व दीज फोर्सेज फॉर द रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स. इन दिस केस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई एम एंड एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, फिर बात करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस की. कंस्ट्रेंट रिलेशंस में दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, पहला है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, दूसरा है वेज कंस्ट्रेंट. तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करते हैं. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने माना हुआ है कि स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल. ये आइडियल स्ट्रिंग है, इसके कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर. तो चलो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स तभी वैलिड होते हैं जब कंपाउंड पुली सिस्टम होता है. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तभी वैलिड होता है या तभी एप्लीकेबल होता है जब कंपाउंड पुली सिस्टम होता है. कंपाउंड पुली सिस्टम का मतलब एक भी पुली अगर सिस्टम में मूव करता हुआ होगा तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जरूर आएगा. ठीक है, तो यहां पर देखिए इस एग्जाम्पल में ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये पुली पी है. दिस पुली इज अ मूविंग पुली, राइट? नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज वी नीड टू, सबसे पहले हमको एक रेफरेंस लाइन लेनी होती है. तो ऐसी रेफरेंस लाइन ले लो जो फिक्स्ड हो इस सिस्टम में, कहीं भी रेफरेंस लाइन हो सकती है वैसे तो. उसके बाद सेकेंड स्टेप इज असाइन पोजिशंस टू द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. असाइन पोजिशंस टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो अगर पोजिशंस असाइन करने हो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को तो इसको हम एक्स ए लिख लेते हैं. यहाँ से ये एक्स पी हो गया और ये एक्स बी हो जाएगा. ठीक है, अब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे एक ये है स्ट्रिंग और दूसरी ये है. पुली के डायमेंशन को हम नेग्लिजिबल मानते हैं स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में. और नाउ वी विल ट्राई टू राइट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इन टर्म्स ऑफ दीज असाइंड पोजिशंस. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ L1 मान लेते हैं हम. तो L1 इज इक्वल टू एक्स ए प्लस टू एक्स पी, वन एक्स पी टू एक्स पी. नाउ L2 इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स पी, राइट? नाउ डिफ्रेंशिएटेड. तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये दिस इज अ कॉन्स्टेंट थिंग, राइट? दिस इज कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा. मैं अज्यूम करता हूँ कि बी नीचे की तरफ आ रहा है और ए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्स ए डिक्रीज हो रहा है. सो आई विल राइट माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, आई एम ऑलरेडी असाइनिंग द डायरेक्शंस. प्लस दिस पुली विल गो डाउन, सो दिस इज प्लस टू डी एक्स पी बाई डी टी, राइट? सो दिस इज माइनस वी ए प्लस टू VP. एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस टू टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ P आएगा. ऐसे ही L2 को डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज L2, दिस विल बी जीरो. बोथ XP एंड XB आर इंक्रीजिंग, सो दिस इज VB माइनस VP एंड वंस अगेन इफ वी डिफरेंशिएट वी गेट AB इज AB माइनस AP. सो नाउ फ्रॉम हियर आई गेट AB इज इक्वल टू AP, सो दिस इज माइनस ए ए प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो और ए ए इज इक्वल टू टू ए बी. तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं. स्टेप्स क्या था मैं रिपीट कर देता हूँ. पहले, सबसे पहले एक फिक्स्ड पोजिशन असाइन करो, एक रेफरेंस लाइन. उसके बाद जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं
सबको पोजीशन असाइन करो, ये पोजीशंस असाइन किए थे हमने, उसके बाद राइट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इन टर्म्स ऑफ दिस असाइन पोजीशंस, डिफरेंशिएट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर इधर वेलोसिटीज और एक्सीलरेशंस। फिर बात करते हैं हम वेज कंस्ट्रेंट्स की। वेज कंस्ट्रेंट्स में वेज कंस्ट्रेंट्स, तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। सपोज करो ब्लॉक बी इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, दिस एंगल इज थीटा, वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा एक वेज का दूसरे वेज के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट लाइन और कॉन्टैक्ट सरफेस, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मैंने ब्लॉक ए का ये एक्सीलरेशन ड्रॉ किया ए ए, तो इसका एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस आया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर आएगा ए ए साइन थीटा। ठीक है, ये ब्लॉक ए का हुआ। ब्लॉक बी के लिए क्या होगा? ब्लॉक बी के लिए इसी पॉइंट का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स है, दिस इज ए बी, और इसका एक्सीलरेशन इस तरफ जो आएगा दैट विल बी ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो नाउ द रिलेटिव एक्सीलरेशन, दोनों का एक्सीलरेशन यहाँ पर बराबर होना चाहिए, तभी ये रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा। सो इस कॉन्सेप्ट से ए ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए ए इज इक्वल टू ए बी कॉट थीटा। नाउ दिस इज अ वेज कंस्ट्रेंट। ठीक, तो वी हैव डिस्कस कंस्ट्रेंट रिलेशंस ऑल्सो, एग्जाम्पल्स भी मैंने दो तीन करके दिखा दिया आपको, तो एग्जाम्पल्स की इसमें अब ज़रूरत नहीं है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। इससे आपको ये पूरा याद आ गया कि ये चैप्टर आपको कैसे ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।